अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में आज जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमने डिस्कस करना है ये है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सही है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। वर्ड पर जाइएगा, आधा लफ्ज आधी चीज़ें आपको वैसे समझ आ जाएंगी। आयन एक्सचेंज एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी। अगर हम वर्ड पे गौर करते हैं ना तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि आयन का तबादला होना है। आयन्स किस चीज़ को कहते हैं? आयन्स याद रखिएगा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास कैटायन्स, सही है, और एक हमारे पास होते हैं एनायन्स। सही है, कैटायन्स ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कैटायन कहेंगे, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा हैविंग नेगेटिव चार्ज उसको हम एनायन कहेंगे चार्ज। सही, अगर पॉजिटिव चार्ज वालों की बात करता हूँ तो हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स आती हैं कैटायन में। सही, जैसे कि सोडियम प्लस, सही, मैग्नीशियम प्लस टू, ये कैटायन्स की एग्जांपल है, बस बहुत है हमारे लिए इतनी। अब इसके अलावा एनायन की अगर बात करता हूँ तो ये चेक कीजिएगा, NO3-1, NO2-1। सही, इसी तरह हमारे पास SO4-2, सही, PO4-3। ये हमारे पास चंद एक एग्जांपल्स आ गई आयन्स की। सबसे पहले आयन का मतलब बताओ, इसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है ट्रांसफर या तबादला। सही है, एक्सचेंज कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन को भी कह सकते हैं, ट्रांसफर को भी कह सकते हैं, ट्रांसफर। सही है, और आसान जबान में कहूँ जी तबादले को कहते हैं तबादला। सही है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें आयन्स का तबादला हो। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, दो तरह की क्रोमेटोग्राफी आ गई, इसकी मजीद टाइप्स हैं। सही, एक होती है कैटायन एक्सचेंजर और एक होती है एनायन एक्सचेंजर, जिसमें कैटायन पॉजिटिव चार्ज वालों का तबादला हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहे हो, उसके कैटायन एक्सचेंज कहेंगे। जिसके नेगेटिव चार्ज वालों का तबादला हो रहा है उसको एनायन एक्सचेंज कहेंगे। सपोज किया मेरे पास एक मिक्सचर है, इसको अच्छे तरीके समझ लीजिएगा कि इसका बेसिक है क्या। मेरे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है। मैं दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करूँगा इनको, एक ब्लैक में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सही है, और यहाँ ही पे मैं एक ब्लू से रिप्रेजेंट करवा देता हूँ। सही है, ये ब्लू वाले, ये दो चीज़ों का मिक्सचर है और मैं इन दोनों चीज़ों को ना अलहदा करना चाहता हूँ, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स वगैरह हैं। सही, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो ब्लू वाला है ना, ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, और ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट करती है एनायन को, ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट करेगी नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ों को। सही, यानी हमने सपोज किया हुआ है मैं एक मिक्सचर बना रहा हूँ, इसको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। अब दो तरीकाकार है सेपरेट करने के, एक होती है कैटायन एक्सचेंजर, एक होता है एनायन एक्सचेंजर। दो तरीकाकार कौन से हैं? एक हमारे पास आ जाएगा कैटायन एक्सचेंजर, ये थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, मज़ीद इसको आगे जाके एक्सप्लेन कर लेंगे। एक है हमारे पास कैटायन एक्सचेंजर और एक होता है हमारे पास एनायन एक्सचेंजर एक्सचेंजर का मतलब है जी तब्दील करने वाले। सही हो गया, अब कैटायन का मतलब क्या है जी? पॉजिटिव चार्ज वाले, जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक्सचेंज हो उसको कैटायन एक्सचेंजर कहेंगे, जिसमें नेगेटिव चार्ज एक्सचेंज हो उसको एनायन एक्सचेंजर कहेंगे। अब हमारे पास ना मैं दो तरह के कॉलम्स बना रहा हूँ। सही है, मेरे पास कॉलम है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये अमूमन यूज कर रहे होते हैं। ये मेरे पास एक कॉलम है, इसके नीचे मैंने यहाँ पे एक स्टॉपर लगा रखा है। सेम इसी तरह मैं एनायन एक्सचेंजर के लिए भी कॉलम ही यूज़ करूँगा। ये मेरे पास कॉलम है, इसके नीचे भी मैंने क्या किया है जी, यहाँ पे बिल्कुल नीचे एक स्टॉपर लगा रखा है। इसको मैं अपनी मर्जी से ओपन कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ। सही हो गया, अब यहाँ पे सबसे पहला काम होता है जी, यहाँ पे आपने थोड़ी सी कॉटन ले लेनी है ताकि जो चीज़ आप स्टेशनरी फेज वगैरह मैट्रिक्स वगैरह डालें वो नीचे ना आए। सही हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट काम, वैसे इसको मैंने हैंग किया होता है यहाँ पे, किस चीज़ के साथ, किसी स्टैंड वगैरह के साथ लगाया होता है ताकि ये नीचे ना गिरे, यहाँ मैंने हैंग किया हुआ है। तो सेम काम, इसको भी मैंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है।
सही है, यहाँ पे मैंने इसको हैंग किया हुआ, सही हो गया। अब ये वाला काम मैंने यहाँ पे कर रखा है ताकि ये नीचे ना आए। अब जो चीज़ें सीखने वाली है ना वो सीखते जाइएगा। अब मैं सर मैंने कैटायन को यहाँ पे इस चीज़ को, यानी कि अगर मैं कहूँ ये जो ब्लू वाले पार्टिकल्स है ना इनको अलहदा करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ किसी तरीके से ये चीज़ अलहदा हो जाए, कैटायन्स अलहदा हो जाए। अब मैंने यहाँ पे जो भी स्टेशनरी फेज लेनी है ना, मैंने यहाँ पे स्टेशनरी फेज ले ली है, सही है। अब जो भी स्टेशनरी फेज लेंगे उसके ऊपर याद रखिएगा उसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। कौन सा चार्ज होना चाहिए? क्योंकि मैं कैटायन को चेंज करना चाहता हूँ, उसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इसलिए वो कैटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। अगर मैं इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा वजाहत करूँ तो हमारे पास ये जो यहाँ पे चीज़ मैंने ली होती है कुछ इस तरह की होगी, सही है, इस तरह की, सही। अब ये वाली चीज़ें है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, सही। यहाँ पे कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं? हाइड्रोकार्बन्स। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ना SO2 ग्रुप लगा रखा है। SO2 के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, सही, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है SO3, SO4, SO2, इसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, सही, यहाँ पर नेगेटिव। और ये परमानेंट चार्ज होता है, ये वाली जो लेयर है ना नेगेटिव चार्ज वाली, ये परमानेंट लेयर कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? परमानेंट नेगेटिव चार्ज, परमानेंट नेगेटिव चार्ज, सही। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये परमानेंट, ये मूव नहीं कर सकता, सही। ये स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं, सही। ये क्या कह सकते हैं? स्टेशनरी भी कह सकते हैं, सही। वो स्टेशनरी फेज के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके ऊपर इस नेगेटिव चार्ज को ना बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सोडियम आयन लग सकता है, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन मैं कहता हूँ, यहाँ पे सोडियम आयन लगे हुए इसको बैलेंस करने के लिए, सही है। और इसको कहते हैं काउंटर आयन लेयर, इसको नाम देते हैं काउंटर, काउंटर आयन लेयर, आयन लेयर। अच्छा, काउंटर आयन लेयर याद रखिएगा हमेशा, अगर नीचे वाली चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर जो भी लेयर आएगी उसको काउंटर आयन लेयर कहते हैं। ये अमूमन हम ग्रेविमेट्री में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं काउंटर आयन लेयर को, यानी कि नीचे जो चार्ज हो उससे ऑपोजिट चार्ज ऊपर वाली लेयर में आएगा उसको काउंटर आयन लेयर कहेंगे। काउंटर का मतलब यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट के ज़मरे में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर गौर करें तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके साथ परमानेंट नहीं है, सही। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। यहाँ पर क्या है? इसके साथ थोड़ी बहुत अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगर मैं ऊपर से एक ऐसी चीज डाल रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे कैटायन को एक्सचेंज करवाना चाहता हूं, कैटायन को एक्सचेंज करने का मतलब क्या है? मैं इसको यहां से निकालूं, इसको यहां से निकाल लूं और बाकी सारे की सारी चीज यहां पे आके कोई और नया कैटायन लग जाए, जो कि यहां मैं सपोज किया सेपरेट करना चाहता हूं। मैं कहता हूं यहां पे सपोज करते हैं मैग्नीशियम आयंस को मैं सेपरेट करना चाहता हूं, Mg प्लस टू आयंस को सेपरेट करना चाहता हूं। अब करना क्या पड़ेगा? आप इसका सोल्यूशन इसके ऊपर गिराए, इसका सोल्यूशन इसके ऊपर गिरा दें, यहाँ पे आएगा हमारे पास दोनों चीज़ों का सलूशन। अब मैं इनको अलहदा करना चाहता हूँ, भाई इसमें कैटायन भी है, एनायन भी है। मैं असल में कैटायन जो मेरा इंटरेस्ट है, मैं जिसको सेपरेट करना चाहता हूँ वो कैटायन्स है, सही हो गया। अब जैसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो मैग्नीशियम आयन्स आके, एम जी प्लस टू आयन्स आके इसको निकालेंगे यहाँ से, और ये सोडियम आयन यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे आके खुद मैग्नीशियम आयन जुड़ जाएंगे, सही है। अब खुद सोचें अगर ये यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद क्या होगा? ये नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ये जैसे ही इस चीज़ के अंदर आएंगे यहाँ पे फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बॉन्ड बन गए, सही है, ये वाले बॉन्ड इनके यहाँ पे बन गए, सही है। और जो ब्लू और ब्लैक वाले एनायंस वो सारे के सारे नीचे की तरफ मूव करेंगे, मूव करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे, ऐसा ऐसा पॉर आउट होना शुरू हो जाएगा और सारे का सारा ब्लैक वाला जो मिक्सचर है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। और ब्लैक हमने रिप्रेजेंट करवाया था एनायन को, एनायन को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। और यहाँ पे देख ले कैटायन को एक्सचेंज करवा रहे हैं, सही है, कैटायन को एक्सचेंज करवा रहे हैं किससे, किसके साथ? हमने जो एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम को एक्सचेंज करवाया सोडियम के साथ, मैग्नीशियम आयन्स को सोडियम आयन के साथ एक्सचेंज करवा रहे हैं। इसलिए हम इस तरह की क्रोमेटोग्राफी जिसमें आयन्स को अलहदा करते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहला रही होती है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो चीज़ आपने लेनी है, यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज के तौर पे या मैट्रिक्स के तौर पे लेनी होती है, वो कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, वो वाली चीज़ आपने लेनी है। ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा किस चीज़ को, पॉजिटिव चार्ज को, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज दरमियान में रुक जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो दूसरे हमारे यहाँ पे मिक्सर के अंदर नेगेटिव चार्ज वो सारे क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं करेगा नेगेटिव चार्ज, वो सारे का सारा नीचे चला जाएगा। इस तरह दोनों की दोनों चीज़ें हमने सेपरेट कर ली है। अब हमारे पास आ जाता है जी एनायन एक्सचेंजर। एनायन एक्सचेंजर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। आपने यहाँ पे एक ऐसी शैल लेनी है जिसके ऊपर चार्ज हो पॉजिटिव, क्योंकि हम एनायन को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं। आपने कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे डाल देनी है स्टेशनरी पे या मैट्रिक्स के तौर पे, कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो के नेगेटिवली चार्ज्ड हो, सही है, जिसकी सरफेस के ऊपर कौन सा, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज हो, जिसकी सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज हो जी, पॉजिटिव चार्ज हो, सही, इस तरह पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के अंदर ये सलाहियत होती है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है। जब ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो हम जैसे इस सॉल्यूशन को इसको इसके अंदर पॉर करेंगे, उंडेलेंगे, उंडेलने के बाद होगा क्या, क्योंकि सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ब्लैक वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ब्लैक वाले आ जाएंगे इसकी तरफ अट्रैक्शन में, यहाँ पर जुड़ जाएगा कोई ब्लैक यहाँ पर जुड़ जाएगा, सही है। और जबकि नेगेटिव चार्ज वालों को, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज वालों को जिसने अट्रैक्ट कर लिया, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज वाले, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा वो ऐसा ऐसा नीचे की तरफ पावर डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ जाता जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो नीचे सोल्यूशन आएगा वो ब्लू वाला आएगा, सही, ऐसे चीज़ें जिसके अंदर ब्लू है, सही, ये वाली चीज़ सारे के सारे ब्लू नेगेटिव चार्ज सिंपल मैं कहूँ सॉरी पॉजिटिव चार्ज वाले आके यहाँ पे नीचे जमा हो जाएंगे, और जो हमारे पास ब्लैक वाले होंगे वो यहीं पे इसके अंदर रहेंगे। क्यों इसके अंदर रहेंगे, क्योंकि इनके दरमियान में अट्रैक्शन कायम हो गई है, सही है, यहाँ पे एनायन को एक्सचेंज करवाएंगे, एक्सचेंज करवाने के बाद इसके अंदर अटके रहेंगे। ये था जी हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। सिर्फ प्रिंसिपल को भी याद रखिए, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन मजीद आएगी। सिर्फ सिंपल सी बात ये याद रखनी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयन्स का तबादला था, बेशक वो नेगेटिव चार्ज वाले हों या पॉजिटिव चार्ज वाले, और ये वाली क्रोमेटोग्राफी तब इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन मौजूद है, एक ऐसा मिक्सचर मौजूद है जिसके अंदर कैटायन भी है एनायन भी है। आप अगर कैटायन को अलग करना चाहेंगे वो हमें कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, अगर आप एनायन को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे, सही हो गया। अब हमारे पास चांद एक एग्जाम्पल्स भी हैं कैटायन एक्सचेंज की, अगर मैं बात करूँ कैटायन एक्सचेंजर की, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारे पास सोडियम जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट ये इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जियोलाइट, सही है। असल में जियोलाइट होता है एलोमिनो सिलिकेट, तो ये हमारे पास क्या होता है एलोमिनो सिलिकेट के कंपाउंड्स होते हैं, सही, इसको हम जियोलाइट का, और आपने ये जियोलाइट सोडियम जियोलाइट का ना एक और जगह पे भी वर्ड पढ़ा होगा, इसको हम हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए हम असल में क्रोमेटोग्राफी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें सेम काम यही होता है कि आपका जो सोडियम के आयन्स होते हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं मैग्नीशियम के साथ, जिसकी वजह से, क्योंकि मेन जो हार्डनेस हो रही थी वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फाइड की वजह से हो रही होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं उन आयन्स को ही एक्सचेंज करवा देते हैं। जब वो आयन ही नहीं रहेंगे तो हार्डनेस ऑफ वाटर भी ख़त्म हो जाएगी, सही होगा। अब एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की एग्जाम्पल अगर देखूँ तो ये डोलोमाइट है, डोलोमाइट, बस ये दो तीन बातें याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।